हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टर लॉजी। सो गाइस, कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड लेना है, क्या मेथड्स होने चाहिए, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी लग रहा है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या दिखा रहा है और कौन से स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग हर ऑल्टरनेटिव डेज पे क्रिप्टो की एक लाइव वीडियो करते हैं, लाइव आता हूँ मैं यूट्यूब पे और एक घंटा हम लोग लाइव पे बात करते हैं क्या क्रिप्टोस पे चल रहा है, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्या उनका सेटअप चल रहा है एंड सारी चीज़ों पे। तो आज मैं दोबारा 9 बजे लाइव आने वाला हूँ, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो वो लाइव भी आ जाऊँगा और ख़त्म भी हो जाएगा, बट ऑल्टरनेटिव डेज पे आप लोग हमें हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाती है। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप। ओके गाइस, तो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया पे ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ ना, ये मैं 1-1.5 हफ्ते से आपको रेगुलर बेसिस पे बताता हूँ, कोई नए स्टॉक्स नहीं होते हैं। तो हर समय ब्रेकआउट आता है, फिर नए लेवल्स मिलते हैं, फिर रीटेस्ट होते हैं, तो मैं आपको 3-4 वीडियोस के अंदर सेम सिमिलर स्टॉक्स हमेशा बताते रहता हूँ। ये स्टॉक्स भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है इस पे और हम लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। 1060 रुपीज के लेवल पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है एंड आप क्लियरली देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आया है। अभी ट्रेड कर रहा है 1090 रुपीज के आसपास। मैं जो टारगेट्स एक्ज्यूम करके चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, दैट शुड बी अराउंड 1180-1200 रुपीज के टारगेट्स के आसपास, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है एंड मुझे लगता है इसका लाइफ टाइम हाई भी है और डेफिनेटली इसको भी ब्रेकआउट दे सकता है। वॉचलिस्ट के अंदर से जरूर रख सकते हैं क्यूमेंस इंडिया को एंड मेरे को लगता है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग रेंज कंसोलिडेशन अब जो ब्रेकआउट आया है ये शायद फुलफिल हो सकता है और विद इन अ वीक मैं कुछ ज्यादा कह रहा हूँ, बट मुझे लगता है कुछ टाइम के अंदर, सिर्फ 3-4 दिन के अंदर अंदर अगर मार्केट ओपन रहती है तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी स्टॉक के अंदर भी इंप्लीमेंटेड है। बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सो गाइस, हमारा सेकंड स्टॉक है गोवा कार्गो। गोवा कार्गो पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था अप्रैल 2019 पे। आफ्टर दैट उसके बाद बहुत रेंज तक कंसोलिडेट करा था एंड अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये 21st अगस्त से भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। फाइनली इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, इसका भी ब्रेकआउट दिया है, जो मिनिमम टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ दैट शुड बी अराउंड 460 रुपीज़ का। ये मेरे पास अभी था, मतलब मेरी वॉच लिस्ट पे था, मैं इसको देख रहा था अराउंड 415 पे, बट 415 में मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन आई सजेस्ट यू ऑल, बट बहुत बड़ी रैली आई थी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी। इफ़ आई शो यू, आप चेक करिएगा एंड एक बहुत अच्छी कैंडल्स का मूवमेंट हमें यहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आएगा देन वील बाय। ब्रेकआउट इतना बड़ा आया कि बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी एंड आफ्टर दैट हमें रीटेस्ट का मौका नहीं मिला, बट डोंट वरी, अगर ये नीचे आता है डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। और मुझे लगता है कि ये 460 तक तो मिनिमम टारगेट्स हैं, उसके बाद एक नई अपमूव की तैयारी भी ये कर सकता है स्टॉक, तो वॉचलिस्ट के अंदर से जरूर रख सकते हैं। बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है चैलेट। चैलेट पे अगर मैं देखूँ, ये भी मेरा वीकली टाइम फ्रेम ही है, अगर आप देखोगे ना तो जब इसने स्टॉक ने एक स्टार्ट करी थी मूवमेंट जब ये पहली बार लिस्ट हुआ था 2019 पे, उसके बाद से ना ये अराउंड 280 रुपीज़ से लेके 360 रुपीज़ के बीच में बहुत टाइम कंसोलिडेट करा एंड अगर आप देखोगे अप्रैल 2019 से लेके ये ऑलमोस्ट मार्च, मतलब पूरा एक साल ये कंसोलिडेट करा। आफ्टर दैट एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद इसने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन क्रिएट करा है, बहुत टाइम कंसोलिडेट करा और अब फाइनली ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट पे डेफिनेटली हम लोग एक ट्रेड सेटअप लेकर चल सकते हैं। इस रेंज के अंदर ये दोबारा एंटर कर गया तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि दोबारा रेंज के अपर साइड में जा सकता है। टारगेट हम लोग एक्ज्यूम करके चल रहे हैं 360 रुपीज़ का एंड गाइज, ये स्विंग ट्रेड होते हैं, इट्स नॉट एन इंट्राडे ट्रेड। मैं इंट्राडे नहीं प्रेफर करता तो मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं देता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं एक स्ट्रैटेजी पर वर्क कर रहा हूँ, अगर वो फुलफिल होती है, वो वर्क करती है, देन आई विल सजेस्ट यू इंट्राडे ट्रेड्स एज वेल, बट ये स्विंग ट्रेड्स हैं तो प्रेफरली थोड़ा सा टाइम लगता है इन्हें आने में, तो वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करा करो, कभी बाय ऑन स्ट्रैटेजी मिले तो यू कैन स्टार्ट बाइंग। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ओपन इंटरेस्ट के डाटा। ओके, सो हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो जिस लेवल से आज इसने गैप अप दिया था और जो उसका हाई था, टूडे का हाई था, उस लेवल से एक फॉल आया, वो लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों था, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले थे, इसी लेवल से गैप डाउन आया था और एक फॉल आना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक दोबारा फॉल आ सकता है, निफ्टी का एक दोबारा फॉल कर सकता है एंड अभी प्राइस जो चल रहा है वो दैट इज अराउंड 17,250 रुपीज़ का। यहाँ पर मैं जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ दैट इज 17,050 रुपीज़ तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऑन निफ्टी। अब यहाँ पर देखिए मेरी प्लानिंग क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक शोल्डर बना, एक हेड बना,
अब दोबारा हिट कंप्लीट हुआ, अब अगेन यहाँ पर एक शोल्डर बन सकता है, और शोल्डर जो बन सकता है वो अराउंड 17,050 के आसपास बन सकता है, और वहां पर हम लोग फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। एक चीज हमें जरूर समझनी है कि मार्केट अब बुलिश हो चुकी है, मार्केट बियरिश नहीं है, तो हम लोगों को ना उस वे में काम करना है। जब तक मार्केट बुलिश है हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है, अदरवाइज हम वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। आज डेफिनेटली गैप अप ओपन हुआ था एंड उसके बाद एक दोबारा फॉल आई थी, क्लोजिंग अच्छी हुई है, मिड लेवल पे हुई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 17,400 के ऊपर तो बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं होने वाली है अगर ये गैप अप देखने को नहीं मिलता। रिमेंबर दैट अगर कल ये गैप अप होता है तो मार्केट ऊपर डेफिनेटली जा सकती है, ठीक है, और अगर गैप अप नहीं होता, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता, तो मार्केट नीचे भी आ सकती है, इस बात को याद रखिएगा। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पहले 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार जरूर करिएगा। हम ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे बिलीव नहीं कर सकते बिकॉज वो दिखाता कुछ और है, और मार्केट खुलने के बाद जो और लोग ऐड होते हैं तो वो बहुत जल्दी चेंज होता है, तो उस पर ट्रस्ट करना मार्केट क्लोज होने के बाद वो ज्यादा भरोसेमंद अभी नहीं होता, वो मार्केट लाइव मार्केट पे बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी का चार्ट भी हमने ओपन कर लिया, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसके अंदर भी बना हुआ है, बट बैंक निफ्टी ने कुछ ऐसा कर दिया जो निफ्टी ने नहीं करा, बट यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है ना वो थोड़ा सा अलग है। दोबारा समझाता हूँ, एक गैप डाउन हुआ, एक शोल्डर, एक हेड, और अगेन एक शोल्डर भी कंप्लीट, दोनों पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, एंड आफ्टर दैट एक फॉल आया और नीचे क्लोज कर गया। अब यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट फेल हुआ, इसका मतलब यह है कि हमें राइट टाइम पे एंट्री नहीं मिली है, यानी कि एक कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम लोग बाय करते हैं। इट्स नॉट दैट कि ब्रेक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, फॉल्स ब्रेकआउट तब माना जाता है कि ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करती है ना, आफ्टर दैट नीचे आ जाता है, ठीक है। इट्स नॉट अ बुलिश कैंडल और उसके ऊपर क्लोज भी नहीं करी है, तो इसको कंफ्यूज मत हुआ करना। दूसरी चीज, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, डेफिनेटली अभी एक बार शायद रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा होगा, तो दोबारा सेम चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर कल गैप अप होता है तो मार्केट ऊपर बुलिश मोमेंटम ही रहेगा, अदरवाइज अगर कल बड़ा गैप अप नहीं होता है, माइनर होता है या बहुत छोटा सा होता है 50-60-70 रुपए का, और अगर इसी लेवल पे भी खुलता है या नीचे जाता है, नीचे खुलता है तो हम एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक बड़ा गैप अप होता है तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनने वाली है, और हम लोग बाय कर सकते हैं 36,600 के ऊपर अगर 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज होती है, बिकॉज एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेफिनेटली बन चुका है, अगर अब इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। It's not that it's a false breakout. It's just the retracement that the particular index is taking. That we can say. But according to open interest data, बहुत ही अलग scenario है. Let me show you. Okay, so हम लोगों ने निफ्टी का open interest data open कर लिया, and अगर आप देखोगे कल की बात, अगर मैं देखूँ जो मैं कल check कर रहा था open interest data, तो heavy put writers active थे as compared to call writers, because call writers exit कर रहे थे market से. हुआ क्या, आज गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद जब नीचे आया तो बहुत सारे लोगों ने आई थिंक पैनिक सेलिंग करी होगी, उसकी वजह से आप देख रहे हो पूरा ड्रास्टिक चेंज आ गया, बिल्कुल उल्टा हो गया अभी है, अगर आप देख रहे होंगे तो। मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमें कहीं पर भी पुट राइटर्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा, उन्हें लोअर साइड एक ही लेवल पर देखने को मिल रहा है 17,150 पे, जो कि इतना बड़ा नहीं है, बट जैसे ही कल मार्केट ओपन होगी अगर इसी लेवल पे ओपन होती है 17,250 पे, तो डेफिनेटली यहाँ पर पुट राइटर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट अगर वो ब्रेक होगा तो 17,150 बहुत इजीली आ सकता है। हर हायर लेवल पे हम लोग बड़े बड़े कॉल राइटर्स एग्जाम कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अपसाइड थोड़ी सी लिमिटेड है, बट वो गैप अप डिसाइड करेगा या गैप डाउन डिसाइड करेगा कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ से रह सकती है। सेम गोज विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देख सकते हैं हैवी कॉल राइटर्स ही एक्टिव है, हर बड़ी बड़ी पोजीशंस बनी हुई हैं, तो आई मतलब कल अगर एक्सपायरी है तो इतना याद रखना, जितने लोगों ने भी यहाँ पर कॉल राइटिंग करी होगी अगर बड़ा गैप अप दिखता है तो डेफिनेटली दे ट्राई टू एग्जिट देयर पोजीशंस एंड दे ट्राई टू एंटर इन अ पुट राइटिंग, तो एक शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट जरूर ऊपर जा सकती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज नोट दैट, बड़ा गैप अप बाय, छोटा माइनर गैप अप, माइनर वाला गैप अप भी साइड अगर इसी लेवल पे खुलता है, डाउन ट्रेंड नीचे खुलता है, तो सिंपल शॉर्ट है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखा होगा आपने, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट द माइंड प्ले जो हम मार्केट के अंदर देखते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड करो एंड डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय बाय।